बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक फोटोसेंसिस का इंट्रोडक्शन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स। फोटोसेंसिस इज अ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। फोटोसेंसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं जो कि ग्लूकोज बनाने में यूज होते हैं। और फोटोसेंसिस का जो अमल है ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है और ऑक्सीजन इसके अंदर बनती है एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को आप ऐसे डिफाइन कर लें कि अजाफी प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट विच इज नॉट द मेन फोकस ऑफ द रिएक्शन, जो कि किसी भी रिएक्शन की मेन प्रोडक्ट नहीं होती, उसके साथ उसका बनना बहुत जरूरी होता है, उसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन बनती है फोटोसेंसिस के नतीजे में एज अ बाय प्रोडक्ट। फोटोसेंसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस से क्या मुराद है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर सब यूनिट्स कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल, एक लार्जर सब यूनिट बनाते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज जुड़ के एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम में दे दिया गया। सो फोटोसेंसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। अकर्स द फोटोसेंसिस का प्रोसेस होता कहां पे है? इट अकर्स इन प्लांट्स, ये पौधों के अंदर होता है। इट अकर्स इन सन प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट जिसे एल्गी बिलोंग करती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट रॉ मटेरियल और वाटर सेकंड रॉ मटेरियल दोनों कंबाइन करके क्या बनाती है? मेन प्रोडक्ट जो कि हमारे पास क्या आती है? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन और वाटर इसके अंदर क्या है? एज अ बाय प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट। और सनलाइट जो है वो मैंडेटरी है, जिस एनर्जी की मदद से ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और ये प्रोसेस होता है क्लोरोफिल के अंदर, या क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को ऑब्जर्व करने वाला जो मटीरियल है वो क्लोरोफिल। आगे हमारा जो इसका फर्दर पार्ट है, हमने रॉ मटेरियल को डिस्कस करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। वो आते कहाँ पे हैं, आते कहाँ से हैं, उसका सोर्स क्या है? सो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि बिल्डिंग कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के अंदर। टू सोर्सेज हैं, वाटर का जो सोर्स है वो बेटा क्या है? सॉइल। वाटर जो है प्लांट सॉइल से अब्सॉर्ब करता है, इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर से वाटर को क्या कर लेती हैं? अब्सॉर्ब। और ये जो प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो रूट्स हैं वो वाटर को टेकअप करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के तौर पर कौन एक्ट करता है? प्लांट की रूट्स। इस तरह करके रूट्स की मेम्ब्रेन से वाटर का एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, या कहने के हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करना, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? ऑस्मोसिस का नाम दिया गया, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सो जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है वो सॉइल से करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। सेकेंड जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है वो एयर से एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है, और वो किस के थ्रू करता है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स, जो कि प्रेजेंट होती हैं लीव्स के अंदर। और प्लांट जो है इन स्टोमेटा से ऑक्सीजन को क्या करता है? टेकअप करता है फ्रॉम द एयर। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो एमसीक्यू में हमेशा पूछी जाती है, आपकी बुक में दी गई है कि जो स्टोमेटा का 1-2% जो एरिया है वो जो लीफ का 1-2% सरफेस एरिया है वो स्टोमेटा से कवर्ड होता है। यानी कि जो स्टोमेटास है, स्टोमेटा वो लीफ का 1-2% सरफेस एरिया बनाते हैं।
So this is all about our today's lecture, in which we discuss introduction of photosynthesis, its definition, its occurrence, chemical equilibrium, or its sources of raw material.